हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता वर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड रसमलाई। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ब्रेड रसमलाई बनाना। ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए हैं ब्रेड के स्लाइस 8, काजू बादाम थोड़े से लिए हैं, चीनी आधा कटोरी, केसर आधा चम्मच, फूड कलर 1 चम्मच, दूध 1.25 किलो। ये हमने 1.5 किलो दूध ले लिया है ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए। इसमें डालेंगे फूड कलर 1 चम्मच, फूड कलर 1 चम्मच, थोड़ी सी पिंच मैं इसमें केसर डालूंगी, जो है दूध के साथ अच्छे से पकाएंगे। इसको जो है दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब जो है हम दूध को जो है 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, ताकि जो हमारा दूध है वो अच्छे से उबल जाए। दस मिनट जो है हमने दूध को अच्छे से उबाल लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी काजू बादाम जो हमने बारीक काट लिए हैं, आधा कटोरी चीनी, उसको जो है करीब 15 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको जो है हमें अच्छे से 15 मिनट के लिए जो है पका लेना है। करीब 25 मिनट तक जो है मैंने इस रसमलाई को पकाया है। देखिए अब हमारी रसमलाई जो है अच्छे से उबल गई है और अच्छे से हमने रसमलाई को बना लिया है। ये देखिए हमारी रसमलाई बनने का कुछ ऐसी लग रही है। करीब 25 मिनट ही लिए हैं हमने। ये हमारे पास 1.25 किलो दूध था जो हमने करीब फूक लिया है, और ये थोड़ा सा रसमलाई जो है हमने बना ली है। हमने जो है एक ग्लास ली है, और एक ग्लास से जो है हम ब्रेड के गोल स्लाइस काटेंगे। देखिए आपके पास जो भी कुछ हो, ग्लास हो, छोटी बाउल हो, उसी भी आप ब्रेड के गोल स्लाइस काट सकते हैं। ऐसे जो है ब्रेड के गोल स्लाइस काट लेंगे। सब दूसरा गोल स्लाइस भी ब्रेड में से काट लेंगे। दूसरा ब्रेड लिया है उसके भी हम जो है ऐसे ही गोल स्लाइस काट लेंगे। सारे ब्रेड स्लाइस को जो है ऐसे गोल शेप में काट लिया है। ये देखिए हमारी जो रसमलाई है वो ठंडी हो गई है। ये देखिए इसमें जो है हमने जो ब्रेड के स्लाइस जो हमने काटे थे वो हम डाल देंगे ऐसे।
और जो ब्रेड को जो है अच्छे से रसमलाई में डीप कर देंगे, ताकि जो ब्रेड है वो रसमलाई जो है जो ब्रेड में अच्छे से देखिए सारी ही ब्रेड को जो है रसमलाई के अंदर डाल देंगे। जो है फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी रसमलाई वो बिल्कुल ठंडी हो जाए, और ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। 1 घंटे के बाद जो है हमारी रसमलाई जो है अब ठंडी हो गई है। रसमलाई ठंडी होने के बाद हमने जो है रसमलाई को सर्व कर लिया है, और गार्निश के लिए मैंने इस पे केसर लगाया है, और थोड़े बादाम बारीक काट के लगाए हैं, और थोड़ा सा पिस्ता लगाया है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।